कमलनाथ सरकार श्रीलंका में भव्य सीता मंदिर बनवाएंगी। जी हां, इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अफसरों को निर्देश भी दे दिए हैं। भोपाल में हुई एक अहम बैठक में सीएम ने अफसरों को निर्देशित किया। इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश और श्रीलंका के अधिकारियों की एक समिति भी बनाई जाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार श्रीलंका में सीता मंदिर बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अफसरों को समिति बनाकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस मंदिर के लिए अगले बजट सत्र में अलग से राशि भी रखने की बात कही है। सोमवार को मंत्रालय में हुई एक बैठक के दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रीलंका में उस जगह सीता मंदिर बनवाएगी जहां उन्हें रखा गया था। सांची जो बौद्ध धर्म बौद्ध समाज के हिसाब से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एक धर्म स्थल है, जिसके बारे में श्रीलंका के राष्ट्रपति जी ने कहा था कि हमारे लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि बाकी जगह भगवान बुद्ध के बारे में मिलता है, लेकिन सांची में भगवान बुद्ध की क्या टीचिंग्स हैं, उन्होंने क्या संदेश दिया वो मिलता है। और इसी में चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसका एक वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय और प्रशिक्षण केंद्र वहाँ पर बनेगा, उसकी एक कमिटी बनाएंगे और साथ ही उसके लिए चाहे कितना भी पैसा लगे, जबकि श्रीलंका सरकार और जो बैनेगल जी आए थे ये उनका भी ये कहना कि जितना भी पैसा सांची में लगेगा वो उसको वहाँ पर लगाएंगे और ये केंद्र बौद्ध केंद्र वहाँ पे म्यूजियम बनाएंगे, प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे। सीएम ने मंदिर निर्माण और सांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बौद्ध संग्रहालय अध्ययन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए शीघ्र ही योजना बनाने और जल्दी काम शुरू करने के लिए कहा है। मंत्रालय में हुई बैठक में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, महाबौद्धि सोसाइटी अध्यक्ष बनागला उपतिसा सहित प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। सीएम ने कहा जल्द ही योजना बनाकर मंदिर का डिजाइन तय किया जाए, उसके मुताबिक फिर उसका बजट भी तय किया जाएगा। सांची में बौद्ध संग्रहालय अध्ययन प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए जमीन अलॉट करने का भी आदेश दिया गया ताकि वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बन सके। मुख्यमंत्री जो वहां के भी राष्ट्रपति की मंशा थी और मुख्यमंत्री जी के भी आदेश है कमलनाथ जी के कि सीता माता का मंदिर जहां पे अग्नि परीक्षा सीता जी की वहां पर हुई थी श्रीलंका में, उसके बगल में जगह चिन्हित थे जो हम लोग देख के आए, उस जगह पर एक भव्य मंदिर सीता माता का बने, उसके लिए ऑलरेडी काफ़ी राशि बजट में कर दी गई है, लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी भी राशि लगेगी वो दी जाएगी लेकिन बनना चाहिए। और कुल मिलाकर चित्रकूट से लेके पूरी जो 14 साल की उनकी जो भ्रमण है जिसको कहते हैं राम वन गमन पर, जिसकी बहुत चर्चाएँ सुनते रहे, सीता माता मंदिर के बारे में सुनते रहे पिछले 15 सालों में, लेकिन ये पूरा लिंक है, ये राम वनगमन जो चित्रकूट से शुरू होता है इसका एंड श्रीलंका में सीता माता जहाँ पर रही थी, जहाँ उनकी अग्नि परीक्षा हुई वो स्थान है जो हम देख के आए। तो ये पूरा का पूरा सेटअप कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार करेगी। ये बात कल की मीटिंग में जो बौद्ध गुरु हैं वेनेगल जी उनसे चर्चा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही, और साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति जी का भी कहना है और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कहना है कि कोलंबो से भोपाल की डायरेक्ट फ्लाइट के लिए प्रयास करेंगे, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री जो पुरी हैं उनसे भी चर्चा हुई है, वो बहुत सी कंपनीज के उसमें ऑफर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मिलने वाली है, जो मेरी भी कंपनी से बात हुई है, और न केवल कोलंबो बल्कि और भी जो बौद्ध कंट्रीज हैं वहाँ से भी सीधी फ्लाइट हो, कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो भोपाल तक, इसके लिए भी प्रयास करेंगे, जिससे न केवल धार्मिक जो लोगों की धर्म के प्रति आस्था है तो वहाँ से बौद्ध धर्म धर्मावलंबी भोपाल हिंदुस्तान आएंगे और यहाँ से जो सीता माता का मंदिर उनका दर्शन करेंगे लोग, तो ये एक पर्यटन भी होगा इसमें और धार्मिक आस्थाओं की पूर्ति होगी। तो इस तरह का पूरा एक प्लान
श्रीलंका और मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार के बीच में हो रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पूर्व की बीजेपी सरकार ने श्रीलंका में भव्य सीता मंदिर बनवाने का ऐलान किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए कुछ बजट और नक्शा भी तैयार किया था। प्रदेश में सत्ता पलटने के बाद आध्यात्म मामलों के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा था, शिवराज सरकार में सीता मंदिर बनाने की पहल का सरकार परीक्षण कराएगी, उसी के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार शिवराज सरकार का अधूरा काम पूरा कराने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।